नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। किसान आंदोलन दिन पर दिन और तेज होता जा रहा है और इन सब के बीच जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो लोगों को कंफ्यूज कर रही हैं। दरअसल कंफ्यूज इसलिए कर रही हैं कि किसान जो धरने पर बैठे हैं और अब 21-22वां दिन आज है और ऐसे में आप अपने घर बार को छोड़कर सड़कों पर बैठे हैं। ठंड है, दिल्ली की सर्दी तो वैसे भी सबको ही पता है कैसी होती है, उस बीच आप सड़कों पर बैठे हैं, लेकिन इन सबके बीच ये किस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि कहीं पर हाय हाय मोदी, मर जाए मोदी, इस तरह के नारे लग रहे हैं। भाषा का जो स्तर है वो बिल्कुल गिर चुका है। और दूसरी तरफ अब एक और तस्वीर निकलकर सामने आई है और ये तस्वीर ये बयां कर रही है कि जो किसान आंदोलन में लोग बैठे हैं वो बहुत तेजी से अपने जो जियो के नंबर हैं उनको पोर्ट करा रहे हैं। अब देखिए, अब आप अगर किसी आंदोलन के अंदर बैठे हुए हैं, आप उस आंदोलन के अंतर्गत अपनी बात रख रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कुछ मांगे हैं। अगर हम किसान आंदोलन की ही जिस तरीके से बात कर रहे हैं, वहां पर सरकार की कृषि नीति का विरोध हो रहा है, किसान बिल का विरोध हो रहा है, MSP को हटाया ना जाए, कम ना किया जाए, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। लेकिन इन सबके बीच जियो कहां से आ गया? अब कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की गई तो उनका यह कहना था कि हम जियो का नंबर इसलिए पोर्ट करा रहे हैं क्योंकि हम ये समझते हैं कि जो मोदी सरकार है वो अंबानी अडानी को फायदा पहुंचा रही है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो ऐसे में हम उनको इस तरीके से चोट देने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा तादाद में जियो का नंबर पोर्ट कराया जा रहा है। इन सबके बीच फिर एक और आप ये समझ लीजिए अजीब सी एक तस्वीर सामने आई और वो ये कि वहां पर बाकायदा एक कैंप लगाया गया है, एक छाते के नीचे एक शख्स बैठा है जो लोगों के नंबर पोर्ट कर रहा है। मतलब जो लोग वहां पर जा रहे हैं और जियो के नंबर अपने पोर्ट करा रहे हैं तो वो उनको पोर्ट कर रहा है। उस शख्स से बात करने की कोशिश की गई तो उसने कहा कि ना मैं जियो की तरफ से हूँ, ना मैं किसी दूसरी कंपनी की तरफ से हूँ, मैं तो डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और मुझे ये काम सौंपा गया है। वहां पर भारी तादाद में लाइन लगी हुई है लोगों की, वो लोग नंबर पोर्ट करा रहे हैं। तो अब ये समझ से परे है कि क्या यही लोकतंत्र है? मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि आप भाषा का स्तर देखिए, वो दिन पर दिन नीचे आता जा रहा है, जो मांगे हैं वो जिद में तब्दील होती जा रही हैं और आर पार की लड़ाई देखी जा रही है। सरकार कह रही है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, बातचीत हुई भी है 2-3 बार, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि किसके लेवल पर नतीजा नहीं निकल रहा है। और इन सब के बीच ये जो जियो का नंबर पोर्ट कराया जा रहा है बड़ी तादाद में, इसका असर अब जियो कंपनी पर भी पड़ रहा है और यही वजह है कि जियो कंपनी ने ट्राई से इस बात की शिकायत दर्ज कराई है कि जो वोडाफोन और आइडिया यानी कि जो ये मर्ज हो गई है और इनको वी कहा जा रहा है, ये जो कंपनी है वो उनके ग्राहक छीन रही है। अब जियो ने जो ये शिकायत दर्ज कराई है, ये जो आरोप लगाए हैं आइडिया पर और वोडाफोन पर, ये कितने सही हैं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ जमीनी स्तर पर नंबर पोर्ट जरूर कराए जा रहे हैं। तो ये कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही हैं किसान आंदोलन से जो लोगों को कंफ्यूज कर रही हैं। इस पूरी खबर को लेकर आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।